जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। कौन सा? आठवां, कक्षा दसवीं का पार्ट सेकंड सीखेंगे 41 वीडियो का, और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको 8 अध्याय जो है ना, पूरे त्रिकोणमिति परिचय का पूरे सूत्र लिखवाऊंगा, 8.1 के भी, 8.2 के भी, 8.3 के भी। अगर ये आपको पूरे सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको आठवां चैप्टर जो सिंपल लगेगा। अगर आप सूत्र याद नहीं करते हो तो आप आठवें चैप्टर में एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में पूरे आठवें चैप्टर के पूरे सूत्र लिखवाऊंगा, गारंटी मैं को याद भी करवाऊंगा, पर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा। तो आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट, आठवें चैप्टर के साथ त्रिकोणमिति परिचय का पूरे अपन सूत्र आज की वीडियो में आपको लिखवाता हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज हमने चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे जो 8.1 में सूत्र लगने हैं वो पहले आपको सूत्र करवाता हूं, यानी अनुपात वाले। कौन से? अनुपात वाले, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो वाले। कैसे करना ध्यान से देखना, पीछे करते हैं अपन। अब सूत्र ध्यान से देखना कैसे करेंगे अपन, पूरी वीडियो में बने रहना आप। एक, आपको तीन चीज याद होनी चाहिए, कैसे? दो और तीन। ये तीन सूत्र आपको याद हो जाएंगे ना, इन्हीं तीनों सूत्र से आपको 9 सूत्र बनाकर दिखाऊंगा। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको यह सूत्र याद करना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। यानी साइन का भाई कौन होता है? कोसेक। वो दोनों मिलके कितना बना देते हैं? 1 बना देते हैं। साइन का भाई कौन है? कोसेक। दोनों मिलकर कितना होता है? 1 होता है। अब सेकेंड सूत्र होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कॉस सेक दोनों आपस में भाई है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बना कितना बनाता है? वो 1 बनाता है। कॉस का भाई कौन है? सेक है। जी थोड़ा गलती से बन गया, ये वाला एस है, सी ओ एस। अब लास्ट सूत्र होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 1, यानी tan थीटा और cot थीटा ये भी दोनों आपस में भाई है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? 1 बनाते हैं। देखो, sin का भाई cos sec मिलकर 1 बनता है, cos का भाई sec, दोनों मिलकर 1 बनाते हैं, थीटा आएगा यहां, और tan का भाई मिलकर cot कितना बनाते हैं? 1 बनाते हैं। अब भाई का आपस संबंध टूट जाता है, कैसे? ये बटे भाग में अनुपात में पहुंच जाते हैं। कैसे? देखियो, नहीं रेशियो में। देखो, पहले अपने कौन लिखा? कोसेक थीटा लिखा। कौन लिखा मैंने? कोसेक थीटा बराबर 1 का कौन लिखा? 1। ये साइन थीटा भी किस में? गुणा में है, तो गुणा वाला कहां पहुंच गया? भाग में पहुंच गया। अभी अपन ने सूत्र किससे बनाया था? कोसेक से। अब बनाएंगे साइन से, तो साइन का कौन लिखा मैंने? साइन थीटा बराबर 1 का कौन है अपने पास? 1। कोसेक थीटा किस में? गुणा में है, गुणा वाला कहां पहुंचता? बटे में, यानी भाग में पहुंच गया। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन कोसे मिलकर 1 बनता है, कोसेक का भाई साइन होता, साइन बटे में पहुंच जाएगा। जब साइन का निकालते हैं तो साइन का भाई कोसेक होता है, वो 1 के बटे में पहुंच जाता है। साइन कोसेक मिलकर 1 होता है, कोसेक का भाई बटे में साइन आया, साइन का भाई बटे में कोसेक आया। सेम इसी प्रकार कोसेक मिलकर कितना होता है? 1 होता है। जी कौन है? सेक है। सेक के साथ बनाएंगे, सेक थीटा बराबर 1, तो सेक का भाई कौन है? कोसेक। कोस गुणा में है, कहां पहुंचता? बटे में, यानी भाग में। अभी सूत्र हम सेक से बनाया था, अब बनाएंगे कॉस से, तो कॉस थीटा बराबर कौन है? 1 है, तो कॉस का भाई कौन है? सेक। सेक गुणा वाला कहां पहुंचा? बटे में, यानी भाग में पहुंचा। सिंपल सी बात है कि कॉस का भाई सेक था तो 1 होता है, सेक का भाई कौन हो जाएगा? कॉस, तो बटे में पहुंच जाएगा। जब कॉस का निकालेंगे तो कॉस का भाई कौन है? सेक, तो सेक 1 के बटे में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार टेन का भाई कौन है? कॉट। कितना बनाता है? 1। पहले कॉट से बनाते हैं, कॉट थीटा का कॉट थीटा बराबर कौन है? 1, तो टेन थीटा किसमें? गुणा में। कहां पहुंचेगा? बटे में, यानी भाग में। तो कॉट का भाई कौन होता है? टेन। अब टेन के साथ बनाएंगे, तो टेन थीटा
बराबर कौन है? एक कॉट किस में है? गुणा में। कम पहुंचेगा बटे में यानी भाग में। तो टेन का भाई कौन बन गया? कॉट बन गया। ये आपके सामने नौ सूत्र तैयार हो गए हैं। तीन इसके बाद तीन जे सूत्र हैं, तीन सूत्र जे हैं और तीन सूत्र जे हैं। तो आपको इतना से याद करना है, साइन का भाई कॉस एक होता है, बाकी सब उल्टे पहुंच जाते हैं। कॉस का भाई सेक होता है, एक बाकी सब उल्टे हो जाते हैं। टेन का भाई कॉट होता है, एक बाकी सब उल्टे हो जाते हैं। अब आता है समकोण त्रिभुज वाले सूत्र। कौन से आएंगे? समकोण त्रिभुज वाले। यहां लिख देंगे अपन समकोण त्रिभुज। कौन लिख दोगे आप? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज सूत्र कैसे बनते हैं देखो। आप सब लोग जानते हो समकोण त्रिभुज दो तरीके से बना सकते हैं। हम समकोण त्रिभुज को हम दो तरीके से बना सकते हैं। उन दोनों तरीकों को किसी भी एक चित्र से आप हल कर सकते हो। कैसे? तो दोनों चित्र बनाकर दिखाता हूं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस साइड भी बनता है और समकोण त्रिभुज इस साइड भी बनता है। समकोण त्रिभुज को आप ऐसे भी बना सकते हो और समकोण त्रिभुज को आप ऐसे भी बना सकते हो। इसके आप नाम दे दो आसानी से, ए वी और सी। ए वी और सी नाम दे दो। अब करते क्या है डियर स्टूडेंट देखो, आप सभी जानते हो जो इन दोनों बीच में होता है, इन दोनों सीधी लाइन के बीच में ये क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। इसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। वो समकोण त्रिभुज कितने का होता है? 90 का होता है। यहां भी इन दोनों सीधी लाइन होती, इन दोनों सीधी लाइन के बीच कितने का कोण बनता है? 90 का। कितने का बनता है? 90 का बन जाता है। अब आप ध्यान रखना हमेशा, इसमें तीन व्यक्ति होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। हम कैसे पहचानेंगे कौन कर्ण होता है? कर्ण मतलब हाइपोटेनस होता है। कैसे पहचाने लंब? लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है। कैसे पहचानो वो आधार? आधार मतलब बेस होता है इंग्लिश मीडियम में। यहां बन जाता है थीटा। यहां कौन होता है? थीटा। यहां कौन होता है? थीटा। अब देखो जो 90 होता है हमेशा 90 के सामने कौन कहला? कर्ण कहलाएगा। कौन कहला? कर्ण यानी हाइपोटेनस। हमेशा 90 के सामने कौन कहलाएगा? कर्ण। इंग्लिश में कौन बोलते हैं? हाइपोटेनस। हमेशा 90 के सामने कौन कहलाएगा? कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये वीडियो इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं कि कोई बच्चा क्या होता है, सूत्र तो सेम ही होता है इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई बच्चे ने गलती से इंग्लिश मीडियम में क्लिक कर दिया हिंदी मीडियम पे, वो इंग्लिश मीडियम सीखना चाहता है तो इस वाली हेल्प से इंग्लिश मीडियम के सूत्र भी याद कर सकता है। केवल नाम में अंतर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को मैं नाम ले रहा हूं बस। अब देखो जो थीटा होता है हमेशा थीटा के सामने कौन होता है? लंब यानी परपेंडिकुलर। हमेशा थीटा के सामने कौन होता है? लंब यानी परपेंडिकुलर। थीटा के सामने कौन होता है? लंब यानी परपेंडिकुलर। बचा हुआ वो कौन होता है? आधार यानी बेस। बचा हुआ वो कौन होता है? आधार यानी बेस। बचा हुआ कौन होता है? आधार यानी बेस होता है। 90 अपनी जगह रहता है, थीटा अपनी जगह रहता है। आप पहचान गए कि लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है। इन्हीं के 6 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं? 6 सूत्र। कैसे? देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन कॉस टेन। अब यहां आ जा, कॉमा कॉमा कॉमा। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। साइन कॉस टेन, अभी मैंने सिखाया था साइन का भाई कौन था? कॉसेक था। कॉस का भाई कौन था? सेक था। और टेन का भाई कौन था? कॉट था। तो आपको साइन का सूत्र याद होना चाहिए। आपको करना क्या है, जी वाले तीन सूत्र याद कर लो, यहां उसके उल्टे हो जाते हैं। अपन ने भी यही सीखा था कि साइन का उल्टा कोसेक था, कोसेक का उल्टा साइन था, तो यहां भी उल्टे कैसे होंगे देखो। आप ये तीन सूत्र को याद करो, ये तीन सूत्र मैं आपको आसानी से याद कराने की गारंटी देता हूं। देखो तीन सूत्र कैसे याद करोगे देखो। इसको आप याद रखना लाल वटे कक्का। आपको याद कर रहा सूत्र कैसे याद करोगे? लाल वटे कक्का। लाल वटे कक्का, इसको आप ऐसे याद करना। कैसे याद करना? लाल वटे कक्का। अब मैं आपको दिखाता हूं आप सूत्र कैसे याद करोगे। देखो लाल वटे कक्का का मतलब क्या होता है, आप इतना पहचान लो कि एल मतलब कौन होता है? लंब। जे डंडा मतलब क्या होता है? आ मतलब क्या होता है? आधार। ला मतलब क्या? ला मतलब क्या होता है? लंब। का मतलब क्या होता है? कर्ण। का मतलब कर्ण। डंडा मतलब क्या होता है? आधार। अब देखो लाल वटे कक्का से आप सूत्र कैसे याद करोगे, ध्यान से आप देखना।
जे कौन है ला और जे कौन है का। ला मतलब कौन होता है लंब, लंब। और जी नीचे कौन हो जाएगा, का मतलब क्या होता है कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या बन गया, लंब वटे कर्ण। फिर दूसरे में आ जाओ जे, इसका मतलब क्या होता है आधार, तो कौन लिखा आपने आधार। फिर दूसरे पर नीचे पर कौन दिखाई दे रहा है, का मतलब क्या होता है कर्ण, तो आधार वटे कर्ण। तीसरे पर आ जाओ, ला मतलब कौन होता है लंब होता है, ला मतलब क्या होता है लंब। अब तीसरे पर कौन है डंडा, आ इसका मतलब क्या होता है आधार होता है। जी आप सूत्र आसानी से याद कर लिए, लाल वटे कक्का का मतलब होता है पहले लंब वटे कर्ण, फिर आधार वटे कर्ण और फिर लंब वटे आधार। तो अब साइन का सूत्र बोलोगे लंब वटे कर्ण, कोस का सूत्र बोलोगे आधार वटे कर्ण और टेन का सूत्र बोलो लंब वटे आधार। ये ट्रिक आपको याद होगी तो आप सिंपल आसानी सूत्र आप याद कर सकते हो, लंब वटे कर्ण, आधार वटे कर्ण और लंब वटे आधार। अब साइन का सूत्र हो गया, अब कोसेक का सूत्र याद कैसे करोगे, तो साइन का भाई कौन था कोसेक था, तो वहां साइन का उल्टा कौन कोसेक हो रहा था, यहां भी उल्टा कर दो, लंब वटे कर्ण है तो लंब वटे कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण वटे लंब, लंब वटे कर्ण का उल्टा पलट दो क्या हो जाएगा कर्ण वटे लंब। तो हमें सूत्र याद हुआ है कोसेक का। अब सेक का सूत्र निकालना है, तो कोस का भाई कौन था सेक था, तो आधार वटे कर्ण है, आधार वटे कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण वटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण वटे आधार। अब देखो आगे, अब ये टेन है कोट का सूत्र निकालना है, तो टेन का सूत्र लंब वटे आधार था, लंब वटे आधार का उल्टा कौन हो जाएगा आधार वटे लंब, तो कोट का सूत्र क्या बन गया आधार वटे लंब। जी मैंने आपको अभी तक इतने सूत्र सिखाए हैं जिस सब 8.1 में यूज होंगे, ए वाले सूत्र भी 8.1 में लगेंगे, ए वाले सूत्र भी 8.1 में लगेंगे। अब अपन 8.2 वाले सूत्र पर आते हैं, जो 8.2 पर आप सभी लोग जानते हो इसमें सारणी बनेगी, क्या बनेगी सारणी, जो टेबल आपको याद होनी चाहिए डिग्री वाली 0, 30, 45, 60, 90 वाली, उसकी ट्रिक सिखाता हूं अपन इनको, मतलब जो टेबल होती है सारणी को अपन कैसे बनाते हैं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा साइन कॉस टेन, सॉरी टेन आएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब देखो यहां सभी लोग जानते हैं यहां कौन आता है कॉर्ण, कौन आता है कॉर्ण, 0 डिग्री थोड़ा नीचे लिख लो कॉर्ण को, क्या आते हैं कॉर्ण आते हैं 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखना साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट से अब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हो, अब वो ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक क्या है ध्यान से वीडियो बने रहे, देखो ट्रिक्स केवल इतनी सी है, देखो ट्रिक सिखाता हूं। पहले आप लिखो 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर लेके 0, 2, 3, 4 सभी का टेबल लगा दो 4, 4, 4, 4 और 4 सभी का टेबल कौन आ गया 4 सभी पे लगा दो रूट, क्या लगाया अपन ने रूट, जी लगाया अपन ने रूट, ये लगाया अपने रूट, ये लगाया अपने रूट। अब इस ट्रिक से अब पूरे जो अनुपात रेशियो हैं डिग्री हैं 0 डिग्री 30 डिग्री पूरे पूरे डिग्री का मान निकाल सकते हो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ट्रिक क्या थी 0, 1, 2, 3, 4 बट्टे में 4, 4, 4 सभी में क्या था रूट। अब ध्यान से देखना अब सब लोग जानते हो एक चीज ध्यान देना, एक का वर्ग कौन होता है एक होता है और एक का वर्गमूल कौन हो जाता है एक हो जाता है, क्यों एक का वर्ग एक होता है और एक का उल्टा कौन होता है एक होता है, इतना सब लोग जानते हो। अब मुझे बताओ कि दो का कुछ उल्टा होता है क्या, सर नहीं होता, कि दो किसी के वर्ग नहीं होता, तो रूट दो को हम रूट दो लिख सकते हैं। जो तीन है तीन का कुछ उल्टा होता है क्या, सर नहीं होता, तो रूट तीन का रूट तीन हम वर्ग कर सकते हैं। सर मुझे एक बार बताओ कि दो का वर्ग तो 4 हो जाता है और 4 का वर्गमूल कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना सब लोग जानते हो। एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्गमूल एक होता है, दो का वर्गमूल कुछ नहीं होता, तीन का वर्गमूल कुछ नहीं होता, पर 4 का वर्गमूल कौन होता है 2, क्यों 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इतना सब लोग जानते होंगे।
इतना पहचानना तो आसानी से आप टेबल को समझ सकते हो। कैसे देखो, ध्यान से देखना, सिंपल सा। देखो अब देखो, जीरो का बाहर चार में दोगे, जब जीरो का बाहर चार में दोगे, जीरो का बाहर किसी में दो कितना आता है, जीरो, और जीरो का वर्गमूल कौन हो जाता है, जीरो। आप सब जानते हो जीरो का वर्गमूल कौन होगा, जीरो ही होगा। तो हमने भी क्या करा सर, कि जीरो का चार भाग दिया, तो जीरो का चार भाग दिया कितना आया, जीरो आया रूट के अंदर, और जीरो का वर्गमूल कौन होता है, जीरो। तो हम पहचान का साइन जीरो का मान कौन है, जीरो। अब देखो एक का चार भाग तो जाएगा नहीं, एक का वर्गमूल एक सिखाया था मैंने आपको, एक का रूट के बाहर खोलते कितना आता, एक, एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है नीचे भाग। चार का वर्गमूल सिखाया था, चार का वर्गमूल कौन था, दो होता है। अब जो दो, दो एकम दो, और दो दोनी चार हो जाता है। अभी मैंने आपको सिखाया था एक का वर्गमूल कौन होता है, एक होता है। दो का वर्गमूल कुछ होता है क्या, नहीं, दो का वर्गमूल नहीं होता, रूट के अंदर कौन लिख दोगे आप, दो लिख दोगे। अब तीन का कुछ वर्गमूल होता है क्या, नहीं, तो रूट तीन का रूट तीन लिख दोगे। अब चार है, चार का वर्गमूल होता है, तो चार का वर्गमूल कौन होता है, दो लिख दोगे, कौन हो जाता है, दो। अब चार चार क्या होया, कट गया, कौन बचा, एक बचा, तो एक का वर्गमूल कौन होता है, एक होता है, एक से कहा जाता है। अब देखो साइन जीरो को आप जीरो बोल सकते हो, साइन तीस को एक बटे दो बोल सकते हो, साइन पैंतालीस को एक बटे रूट दो बोल सकते हो, साइन साठ का मान रूट तीन बटे दो बोल सकते हो, और साइन नब्बे का मान आप एक बोल सकते हो। अब आगे देखो कैसे करोगे आप, अब कॉस का मान कैसे निकालोगे, देखो उल्टा करना है, केवल पीछे देखो, केवल पीछे उल्टा करना, कॉस का मान कैसे देखो, पीछे पहले कौन है, एक है, फिर पीछे कौन रूट तीन बटे में, दो है, फिर पीछे कौन एक बटे में, रूट दो है, फिर पीछे कौन एक बटे में, दो है, फिर पीछे आपके पास कौन है, जीरो है। केवल आपने उल्टा कर लिया, पहले आपने एक लिखा, रूट तीन बटे दो है, एक बटे रूट दो है, फिर एक बटे दो है, फिर कौन है, जीरो है। आपने कॉस का उल्टा करके निकाल दिया। अब टेन का मान कैसे निकालोगे, टेन का मान ऐसे निकालोगे, साइन को और कॉस में भाग दोगे, क्या करोगे, साइन में कॉस में भाग दोगे। कैसे देखो, टेन का मान कैसे निकालोगे, साइन में कॉस में भाग दोगे। कैसे भाग देगो, ध्यान से देखना, जीरो का भाग एक में देना है, तो जीरो का किसी भी संख्या में कितना आंसर आता है, हमेशा जीरो आता है। अब एक बटे दो का भाग रूट तीन बटे दो में देना है, तो समझने के लिए ये दो से दो क्या हो गया, कैंसिल, दो से दो क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास कौन बचा, एक बटे में रूट तीन, तो कौन लिख दोगे, एक बटे में रूट तीन। अब इसका भाग इसमें दोगे, तो ये भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, तो ऊपर सब कुछ कैंसिल हो जाता है, कितना बचता है, एक बच जाता है। अब ये दो से दो क्या हुआ, कैंसिल हुआ, कौन बचा, रूट तीन बटे में एक, तो नीचे वाले एक तो कभी लिखते नहीं है, कौन बचेगा, रूट तीन बचेगा, एक बटे जीरो। जब देखो, जब ऊपर वाले जीरो का नीचे संख्या भाग देते हैं तो आता है जीरो, जब संख्या का जीरो भाग देते हैं, जब संख्या का जीरो भाग देते हैं तो आता है अपरिभाषित, मतलब यानी अनंत, अपरिभाषित मतलब क्या होता है, अनंत, यानी जब भी अनंत आ जाए इसका प्रश्न अपना हल नहीं होता। जो साइन कॉस टेन के मान आप निकाल चुके, अब क्या करना है आपको, कॉस सेक का मान, सेक का मान और कॉट का मान निकालना है। अब वो मान कैसे निकालोगे, अब इतना ध्यान रखना, अभी सिखाया था मैंने आपको, साइन का भाई कॉस सेक था, कॉस का भाई सेक था, और टेन का भाई कॉट था, वहां उल्टे हो रहे थे, क्या हो रहे थे, सब में उल्टे हो रहे थे, तो यहां भी आपको करना क्या है, केवल उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। बस इतना सा ध्यान रखना, जीरो मतलब कौन हो जाता है, अनंत, अनंत मतलब कौन हो जाता है, जीरो, उपाधि सब में उल्टा कर देना है, जीरो मतलब क्या होता है, अनंत, अनंत मतलब क्या होता है, जीरो। अब देखो साइन के द्वारा किसका किसका सूत्र निकालोगे, कोसेक का, केवल उल्टा करना है, साइन के द्वारा कोसेक निकालोगे। देखो साइन कोसेक, जीरो का उल्टा कौन होता है, अनंत, तो जीरो का उल्टा कौन लिख देंगे हम, अनंत कोसेक में। अब एक बटे दो, तो एक बटे दो का उल्टा कितना होगा, दो बटे एक, तो नीचे वाले एक तो कभी लिखते नहीं है, कौन लिखेंगे, दो लिख देंगे, तो कोसेक तीस का मान कौन हो गया, दो हो गया। एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो का उल्टा कितना होता है, रूट दो बटे एक, तो नीचे वाला कभी एक तो लिखा नहीं जाता, कौन लिख दोगे, रूट में दो। आगे चलो रूट तीन बटे दो, तो रूट तीन बटे दो का उल्टा कितना हो जाएगा, दो बटे में रूट तीन। अब ना एक है तो एक का उल्टा एक ही होता है। अब देखो, अब कोस के द्वारा किसका सूत्र निकालोगे, सेक का निकालोगे, सब में उल्टा करना है, एक, एक का उल्टा कौन होता है, एक होता है, रूट तीन बटे दो का उल्टा कौन हो जाएगा, दो बटे में रूट तीन हो जाएगा। तो मान आपको दिख रहा होंगे, सेक जीरो का मान आप एक बोल सकते हो, सेक तीस का मान रूट दो बटे रूट तीन बोल सकते हो। एक बटे रूट दो का उल्टा कितना होता है, रूट दो बटे एक, नीचे लिखते नहीं, कौन बचेगा, रूट दो।
एक बटे दो का उल्टा कौन होता है, दो बटे एक, नीचे लिखते नहीं कौन बचा, दो बचा। जीरो, जीरो का उल्टा कौन हो जाता है, अनंत हो जाता है। अब हम कॉट का सूत्र कैसे निकालोगे, टेन के द्वारा, क्यों, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। जीरो, जीरो का उल्टा कौन होता है, अनंत होता है। एक बटे रूट तीन, एक बटे रूट तीन का उल्टा कितना होता है, रूट तीन बटे में एक, नीचे वाले एक हम कभी लिखते नहीं है, कौन बचा, रूट में तीन, ये कौन है, एक है, एक का उल्टा एक होता है। अब समझने के लिए देखो, रूट तीन बटे रूट तीन है, इसके नीचे कुछ ना तो एक मानते हैं, अब रूट तीन है तो रूट तीन, रूट तीन है नीचे एक माना, तो रूट तीन बटे एक है, तो रूट तीन बटे एक का उल्टा कितना हो जाएगा, एक बटे में रूट तीन। नीचे वाला कभी एक लिखा नहीं जाता, पर ऊपर वाले एक को लिखा जाता है। अब अनंत है, अनंत का उल्टा कौन होता है, जीरो, अनंत का उल्टा कौन है, जीरो। देखो पूरी सारणी मैंने आपको सिखा दी है, साइन का भाई कोसेक था, कोस का भाई सेक था, और टेन का भाई कोट था। तो साइन के द्वारा आप कोसेक का उल्टा करके मान निकाल सकते हो, कोस के द्वारा सेक का उल्टा करके मान निकाल सकते हो, टेन के द्वारा कोट का उल्टा करके मान निकाल सकते हो। ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, जीरो एक दो तीन चार बटे में चार, चार चार ढूंढ लगा दो, कट रहा हो तो काट दो, वर्गमूल खोल के आप आगे, पूरी मैंने आपको सारणी को सिखा दी है। जी 8.2 की थी। अब लास्ट हम सूत्र आते हैं 8.3 के, किस पे आते हैं लास्ट, 8.3 के सूत्र पर आते हैं, 8.3 के। इसमें आपको क्या करना है, तीन बार सूत्र याद करना है, या भाई पलट जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं आपस में, स्क्वायर में आ जाते हैं। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन हो जाता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, अपने पास एक होता है। अब यहां देखो, अब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कौन हो जाता है, एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अपने पास एक हो जाता है। अब यहां ऐसे नंबर दे दो आप, तो इसको पहला नंबर दे दो, इसको आप दूसरा नंबर दे दो, और यहां तीसरा नंबर दे दो, इसको आप तीसरा नंबर दे दो। लास्ट वाले में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौन हो जाता है, एक हो जाता है। जी आपको तीन सूत्र याद करना है, इन्हीं तीन सूत्र से आपको नौ सूत्र बना के दिखाता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौन होता है, एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कौन होता है, एक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक। अब तीन सूत्र कैसे याद करोगे आप, देखो कॉस स्क्वायर थीटा कौन है, आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, एक का आपके पास कौन है, एक। ये साइन स्क्वायर थीटा भी किस में है, प्लस में है, तो प्लस वाला इस साइड किस में पहुंच जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको देखो तीन सूत्र याद हो गए, एक वो दो हो गए। इसी से अगला देखो, अब साइन स्क्वायर थीटा है बराबर एक का कौन है, एक। कॉस स्क्वायर थीटा भी किस में है, प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इसका सूत्र क्या है, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन्हीं एक सूत्र से तीन सूत्र मैंने आपको बना दिए। केवल क्या करा, कॉस के साथ निकाला साइन प्लस में गया, साइन के साथ निकाला तो कॉस कहां पहुंचा, माइनस में पहुंचा। अगला देखो आप, यह लाइन चीजें समझने के लिए देखो, अब सेक स्क्वायर थीटा माने टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। पहले आप सेक के साथ निकाल लो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक का कौन है, एक। ये टेन स्क्वायर थीटा भी इसमें है, माइनस में, इस साइड किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या बना, वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अभी अब सेक के साथ निकाला, अब माइनस टेन के साथ निकालना है। देखो माइनस का कौन है, टेन स्क्वायर थीटा, कौन है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास कौन है, एक है। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो प्लस वाला इस साइड किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो ध्यान रखना, ये माइनस वाला, इस वाला सूत्र आपको याद करना नहीं है, ये सूत्र बनाने के लिए बता गया है। अब ध्यान रखना, कभी माइनस वाला होता है ना आगे, तो माइनस का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस वाला आता है प्लस में, प्लस वाला जाता है माइनस में। तो ये वाला आपको सूत्र याद करना नहीं है, माइनस वाला केवल आपको समझाने के लिए। अब जो इसका बना रहा उल्टा, वो आपको सूत्र याद करना है। माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यहां भी ये माइनस वाला कौन आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और जो एक है, एक है प्लस में, प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो आपको ये वाला सूत्र याद करना है, टेन स्क्वायर थीटा कौन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। यहां से भी आपने एक दो और तीन सूत्र सीखे, तीन यहां से और तीन यहां से, कितने होगा, छह हो गए। अब तीन यहां से, पहले कॉसेक के साथ बनाओ,
कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आपके पास कौन एक है, कॉस स्क्वायर थीटा किस में है माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र कौन बोल सकते हो वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला सही है। अब माइनस वाले के साथ बनाओ, कौन है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास कौन है एक है, कोसेक स्क्वायर थीटा किस में है प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में। तो मैंने कभी सिखाया था माइनस वाला सूत्र आपको याद करना नहीं है, केवल समझाने लिए बता गया है कि प्लस का सूत्र कैसे याद करोगे। तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस, प्लस वाला बन जाएगा माइनस, तो माइनस वाला कौन बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा बराबर, और माइनस वाला कौन बन जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक प्लस वाला कौन बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। यहां से भी आप तीन सूत्र सीखे, यानी तीन सूत्र यहां से, तीन सूत्र यहां से, तीन सूत्र यहां से, तीन छह और नौ हो गए। अब केवल आपका मात्र दो सूत्र बचते हैं, केवल आपके दो सूत्र बचते हैं, दो सूत्र क्या हैं, एक सूत्र जीरा एक सूत्र जीरा, एक होता है टेन थीटा, कौन होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा। तो क्या होता है टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, जो कॉट थीटा होता है कॉट उल्टा हो जाता है साइन बटे कॉस का, टेन का सूत्र साइन बटे कॉस होता है और कॉट का सूत्र क्या होता है कॉस बटे में साइन हो जाएगा, कॉस का सूत्र क्या हो जाएगा कॉस बटे में साइन हो जाएगा। जी आपके मैंने जो भी 8.1 में 8.2 में 8.3 में प्रेस्टर वाली में सूत्र जो अप्लाई होंगे वो सूत्र मैंने आपको सिखा दिए, होते वो सारे सूत्र हैं 8.1 में 8.2 में 8.3 में और भी सूत्र होंगे, पर जो अपने बुक में सिलेबस में यूज होंगे ना वो आपको मैंने सिखा दिए हैं। मतलब ओटी के लिए और भी काफी सूत्र हैं, रूट के अंदर आ जाएंगे सूत्र, रूट के अंदर आ जाएंगे, ए भी रूट के अंदर आ जाते हैं, वो सूत्र ओटी वाले हैं, तो ओटी वाले सूत्र मैंने आपको नहीं सिखाए हैं, जो बुक में प्रेस्ट में सूत्र अप्लाई होंगे वो सूत्र मैंने आपको सिखा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।